हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रोवर्स हेयर। तो भाई, टाइटल पढ़ के पता चल ही गया होगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं मुंबई वानखेड़े स्टेडियम, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच देखने, जो कि होने वाला है। बहुत तगड़ा है मम्मी। और ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि कल रात तक हमें नहीं पता था हमें मैच देखने के लिए मिलेगा। लिटरली बिल्कुल बिल्कुल रात को हमें मतलब कंफर्म हुआ है कि हम ये मैच देख सकते हैं। और भाई, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे हमें टिकट्स कैसे मिले। बस उसके टिकट्स तो मिल ही नहीं रहे थे भाई कहीं। लेकिन हम ब्लॉग में उसको थैंक यू जरूर बोलना चाहेंगे जिसने हमारे लिए टिकट्स अरेंज करे हैं। ओके, तो बता दें, वो भी हमें टिकट्स गिफ्ट में मिले हैं। यस एग्जैक्टली। तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा पूरा कि मैच में होता क्या क्या है, कैसे मजे लिए जाते हैं और कितना दिखता है वहां से फील्ड से। तो वो तो हमें पहली बार देखने को मिलेगा आज। बाकी हम लोग अभी सुबह हो रही है, एकदम 7 बज रहे हैं। तो आज है 15th of November, तो आज भैया दूज भी है, तो हम लोग भैया दूज भी करके जाएंगे। डीज दीदी भी आई हुई है। हेलो, आज मेरा ब्लॉग है ना, तो आज मैं ही बकवास करूंगा पूरा। इसकी ब्लॉग में मैं हमेशा कम बोलती हूँ, लेकिन बहुत सुबह हो रही है और उन्होंने मुझे नहला दिया है, तो मैं अभी थोड़ा। और मेरी हुडी पहन कर रही है मम्मी, कर रही है पूजा की तैयारी। और ये रूम ऐसा इसलिए भरा हुआ हो रहा है क्योंकि भाई हमारा रेंटेड घर है, तुम लोग जानते हो। दिवाली गिफ्ट तो रखे, बट स्टिल यार अपना घर होता तो साफ भी करता है इंसान। हमने दिए हैं तो हमारे घर आए भी हैं। यस एग्जैक्टली, अगले साल अलाने चलाने के लिए। और पापा हमेशा की तरह घर पर रहने वाले हैं, सिर्फ मम्मी और मैं ही जा रहे हैं। पापा घर पे काम करते हैं, हमारे लिए रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं और हम उनको उड़ा के आ जाते हैं। हमेशा यही होता है। नहीं, मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ और तुम लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम तुम लोगों को ब्लॉग के जरिए दिखाते हैं। ओके गाइस, तो टीका वगैरह हो चुका है और मैंने वो काली वाली शर्ट चेंज कर ली, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और अब हम जाएंगे जल्दी से, पापा मारने वाले हैं, जल्दी करता हूँ। थैंक यू। ओके गाइस, तो अब हम जा रहे हैं, सब टीका वगैरह हो चुका था। और प्लीज दीदी, बाय बाय। हमको तो कोई प्यार नहीं करता। चलो ओके, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मन में ये सवाल आया है नहीं, क्योंकि हम सुबह टीका कर चले थे, तो टीका है कहाँ। एक्चुअली गाइज, मैं क्रीम लगा रहा था और क्रीम लगाते लगाते मैंने यहाँ भी हाथ मार दिया, वो पूरे फेस पर टीका ही टीका हो गया था। तो इसीलिए मुझे धोना पड़ा, वरना मम्मी कह रही थी बहुत अच्छा लग रहा है टीके में। और फिर थोड़ी देर बाद देखा तो टीके का क्या हाल हो गया था, तुम लोग को मैंने बताई थी यार। तो ये थी टीके की कहानी। दुनिया का सबसे अनोइंग काम गाड़ी में जब CNG भरता है, मतलब इतना बोर मैं कभी नहीं हुआ, सही बता रहा हूँ। बोर की बात नहीं होती, जब आप लेट हो रहे होते हैं ना और ड्राइवर गाड़ी रोकता है बीच में, मैडम 10 मिनट यहाँ। लेट की बात नहीं है, पता है क्या, लेट भी हो रहा है तो मैं कंफर्टेबली बैठे हूँ गाड़ी में, उसके बाद एकदम से जैसे आपको नींद आती है बोलते मैडम उतर जाओ CNG। गाइस ये रोड पूरी खाली पड़ी है, हम लोग फ्लाइट के लेट हो रहे हैं और लिटरली गाड़ी 80 से ऊपर चल नहीं पा रही है। ठीक है, कोई नहीं, पता नहीं इसमें शायद लिमिट वगैरह कुछ लगी हुई है गाड़ी में, तो इसकी वजह से 80 से ऊपर जा नहीं रही है हमारी फ्लाइट। लिटरली अरे खाली सड़क पड़ी है भाई, पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। साइकिल तक हमारे से आगे निकलती है। और गाइस, भैया ने किसी तरह गलती से हमें टाइम पर पहुंचा ही दिया। ठीक है, चलो आ गए हम, फाइनली आ गए, टाइम से आ गए, लगता है मिल जाएगी। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं प्लेन में। भाई मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कैसे आए हैं हम। मत बता, हम लोग हर बार ऐसे लटकते झटकते पहुंचते हैं, हमें लगता है आज फिर फ्लाइट गई, फिर गई, फिर गई, फिर गई, बहुत देर बचा लेता है, फिर बैठ जाते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू। खुशी की बात ये होती है हम फिर भी बिफोर टाइम पहुंच जाते हैं। हाँ लिटरली, हमारी हमसे पहले एक और फ्लाइट की बोर्डिंग चल रही थी, तो मतलब बेसिकली हम लोग सही टाइम पर आ गए। ओके गाइस, तो फाइनली हम मुंबई लैंड कर चुके हैं। ये रहा एयरपोर्ट, कितनी बार दिखा चुका मैं तुम्हें, मतलब हर बार ब्लॉग बनाने की सोचता हूँ पर बनता है नहीं पूरा। इस बार मैं सोच रहा हूँ आज का तो पूरा बनाऊंगा ढंग से, आज का कुछ अलग सा होगा जरूर बनाना भाई, होगा यार। खैर लड़ी उधर से। तो गाइज, आई गेस मुझे अब ब्लॉग बंद करना चाहिए और जल्दी से जल्दी रूम पर पहुंचकर मैच देखने पहुंचना चाहिए। सो चलो तुम्हें भी दिखाता हूँ और भाई तुम्हें एकदम साक्षात मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैच में होता है, क्या क्या दिख रहा होता है, कितने मजे आते हैं।
ऐसे बन रहा है जैसे कि पता नहीं पांच बार देखने जा रहा है, पांचवी बार देखने जा रहा है। लेकिन हाँ, वी आर वेरी लकी कि हमें इतने शॉर्ट पीरियड में जो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ब्रो सेमीफाइनल्स, हमें हम हिस्ट्री के अंदर लिखे जाएंगे भाई। कल तक सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मिलने वाला है। खैर चलो लेट्स गो। So guys, as you can see, हम लोग रेडी हो चुके हैं अपनी इंडिया की टी शर्ट पहन के। बेसिकली हम अभी अपने रूम पर आ चुके हैं, बाकी अब हम जाएंगे मैच देखने। ऑब्वियसली मजा आने वाला है। इंडिया वैसे बैटिंग कर रहा है इस समय, 100 रन मार चुका है। हम थोड़े लेट हो गए हैं, बट नाउ वी आर गोइंग। क्या हो गया? मेरा भी चल रहा है। खैर चलो लेके चलता हूँ तुम्हें। एक्साइटेड? बहुत ज्यादा। ओके गाइज, पहुंच चुके हैं। चिल्लाने की आवाज आ रही है अंदर से काफी। जितनी चिल्लाने की आवाज आ रही है उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि यार हम भी शोर मचाएंगे। चलो भाई चलो। और गाइस विराट, ओ दो रन, ओ भाई ये एक्सपीरियंस सच में अलग है। मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने ये सुना था कि यहाँ पर आकर ऐसे गेम दिखता नहीं है, वो भी स्क्रीन में देखते हैं वगैरह वगैरह। भाई सब दिख रहा है। हेलो, as you can see guys, बिल्कुल जैम पैक स्टेडियम है भाई साहब। लोग ही लोग हैं, इंडिया ही इंडिया है। न्यूजीलैंड से तो पता नहीं कोई आया भी है नहीं आया। तो गाइस एक इनिंग्स पूरी हो चुकी है, 400 रन का टारगेट दे दिया इंडिया ने भाई। तो कुछ नहीं होता, ऐसे परेशान न्यूजीलैंड का कुछ नहीं होता। इसको रन बनाने वापस नहीं, 389 का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया ने पिछले मैच में, और 383 पे आउट हो गए थे। यार 389 ज्यादा है, 399 ज्यादा है, ये तो नहीं बना। अब हम यहाँ आए तो हमें पता चल रहा है कि ब्रेक टाइम पे क्या होता है। जो ब्रेक टाइम होता है आधा घंटा, उसमें सारे बॉलर्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ऑरेंज कपड़े पहन के ये सब अपनी बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो 30 मिनट का ब्रेक होता है, हम लोग इसमें अपना पॉपकॉर्न वगैरह बना के टाइम वेस्ट नहीं करते, ये वार्म अप हो जाते हैं पूरा। गाइस यहाँ पे हमारी भूख का नजायज फायदा उठाया जा रहा है। 150 रुपए का पैकेट है ये। मम्मी ने देने दूंगी। मम्मी उसने बोला 150, मम्मी ने बोला 100, बोला नहीं 120, मम्मी ने बोला 100, वो ले गया। मम्मी ने कुछ बोला ही नहीं, फिर वापस आया भाई ले दे यार 100 में दे दे। मम्मी ने पैसे वापस रख लिए, कहा भाई 100 ही दे दो यार, ये 100 का भी नहीं है वैसे, 80 का है, मुश्किल 20 का है यार ये।
गाइस इंडिया जीत गई और मैं अब आ चुका हूँ घर। ये बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन है भाई, लेकिन सही बात तो ये है उस दिन मेरे साथ। और उसने इंडिया की जीत में क्या क्या हारा वो तो बता दे। हाँ बस मेरे साथ उस दिन क्या हुआ कि मैच खत्म हुआ तो बेसिकली क्या था कि जब मैच में जा रहे थे तो उन्होंने हमारी जेब वगैरह चेक करी तो चार्जर वगैरह जो भी थे, चार्जर लेके गया था मैं एक अपना प्यारा सा आईफोन का, वो उन्होंने भारी रखवा लिया था। कहते कि मिल जाएगा आप आ जाओ, मिल जाएगा यहीं रख के चले जाओ। और इसने सोचा, मैंने सच में सोच लिया कि वो मिल जाएगा। मैं वहां से वापस आया तो बाहर जाके देखा तो ना चार्जर है, मतलब ना चार्जर है, फोन बिल्कुल डिस्चार्ज पड़ा है, कैब्स वगैरह वहाँ पे भीड़ लगी हुई, बाहर जाम लगा पड़ा है, पता नहीं कैसे घर कैसे जाएंगे हम दोनों। तो बहुत ही मतलब मैच से बाहर निकल के देखो क्या होता है कि जाते हुए तो लोग अलग अलग टाइम पे आ रहे होते हैं, लेकिन जब घर जा रहे होते हैं तो सारे एक ही टाइम पे निकलते हैं। इतनी भीड़ थी बस क्या ही बताऊंगा तुम्हें। तो उस टाइम तो मेरा हो गया था, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा ब्लॉग भाई, घर जाके करूंगा, मेरा हो गया भाई, परेशान था मैं एकदम। असली गम तो ये था कि चार्जर खो गया, अब फोन कैसे चार्ज होगा इस बेचारे, बिना फोन के 5 मिनट तो करते नहीं है, पहले खत्म हो गई। खैर बस, लेकिन तुम लोगों को भी पता है, तुमने भी अभी देखा, बहुत मजा आया यार मैच देखने में, प्लेयर्स को इतने पास से देखना और वहाँ जो क्राउड के साथ चीयरिंग हो रही होती है उसमें जो मजा होता है ना यार, वो तुम्हें एक बात तो करना है लाइफ में, देखो सोच लो ठीक है। और जिसने नहीं देखा फाइनल में चले जाओ, फाइनल तो अब कहाँ जाएंगे यार, कल ही फाइनल, जब ये व्लॉग डल रहा है उसी दिन फाइनल आएगा है ना, कर डालो। वो पासेस दिए थे किसने? ओके तो गाइज ये जो क्वेश्चन है इसका मेरे से बहुत लोग जवाब पूछ रहे हैं कि ये पासेस मिले कहाँ से थे। तो बेसिकली फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एस बद्रीनाथ, इफ यू नो तुम्हें जानना चाहिए, सर्च करके देख लो एस बद्रीनाथ, उन्होंने हमें पासेस दिए थे। बेसिकली हम एक बार स्टार स्पोर्ट्स के एक शूट पर गए थे तो वहाँ वो हमें मिले थे और उनसे मेरी अच्छी खासी बात हो गई थी, लाइक दोस्ती टाइप हो गई थी मेरी उनसे। तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा ऐसे ही मजा में, सर टिकट मिल सकते हैं क्या? उन्होंने बोला मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता शायद किसी ने दिखाया हो वैसे कि मैच कैसे चलता है, अगर इस पर कॉपीराइट वगैरह भी दे देता स्टार स्पोर्ट तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। खैर चलो, अगर तुम्हें ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, मेरा मजा आ रहा है। बाय।